अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम जो मोस्टली टेक्निकल इंटरव्यूज के अंदर किसी भी लेवल के आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं जब एज अ प्रोग्रामर तो आपसे वो करवाया जाता है और वो है हमारे पास कि फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम ऑफ एन एरे। तो आपसे एक आपको एरे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप इसमें से जो मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम है या मोस्ट रिपीटेटिव आइटम है वो हमें मालूम करके बता दें विथ योर लॉजिक। तो आप उसके लिए एक बिजनेस लॉजिक लिखते हैं और आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके उस इंटरव्यूअर को बताते हैं कि आपकी लॉजिक कितनी अच्छी है, राइट? हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एरे से जो रिपीटेटिव नंबर को हमें मालूम करना है उसके लिए हमें कुछ नंबर ऑफ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, तो उनमें से मैं बना देता हूँ। एक होगा हमारा MF के नाम से जो मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर होगा, उसके बाद हमारे पास एक M होगा, ठीक है जी। आप चाहें तो वेरिएबल्स के नाम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक होगा जो आइटम के लिए हम डिक्लेयर करें, सही है? तो ये हमारे पास तीनों जो वेरिएबल हैं वो हम यूज करेंगे टू फाइंड अ रिपीटेटिव आइटम और मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम फ्रॉम दिस चेक एरे, ठीक है जी। उसके बाद हम फॉर लूप के अंदर इसकी क्या करवाएंगे, लूपिंग करवाएंगे, जिसकी इस आपके एरे को हम क्या करेंगे, रिपीट करवाएंगे। इसके स्पेसिफिक एक एक आइटम को हम उसके इंडेक्स से उठाएंगे। एज यू नो दैट एरे का इंडेक्स जीरो से शुरू होता है, यानी अगर आप बात करोगे तो जीरो इंडेक्स पे हमारे पास वन है, वन इंडेक्स पे जेड है और टू इंडेक्स पे टू वैल्यू है। जबकि बात की जाए लेंथ की तो एरे की लेंथ हमारे पास वन से शुरू होती है। अगर आप काउंट करोगे ये नंबर ऑफ एलिमेंट तो ये टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट? तो एरे को आप अगर कहते हैं कि इसकी लेंथ मालूम करनी है तो इसके लिए एक ब्रिटन फंक्शन होता है जिसको आप यहाँ पे उसकी लेंथ मालूम करने के लिए यूज कर सकते हो। कंसोल डॉट लॉग करके अगर मैं चेक एरे की लेंथ मालूम करना चाहूं तो इस तरह से कर पाऊंगा, मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूं। There we go. आप देख सकते हैं कि एरे की लेंथ कितनी है, 8 है, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप बात करते हैं कि आपको लूप की रिपीटेशन कब तक करवानी है, जब तक एरे की लेंथ है, यानी 8 तक आपको लूप चलाना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सके, हम वन बाय वन एक एक आइटम को चेक कर सके कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा, राइट? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम वेरिएबल बना देते हैं लूप के अंदर जिसका नाम होगा आई और उसकी वैल्यू होगी जीरो। आई जब तक छोटा है किससे जी, एरे की लेंथ से, ठीक है। उसके बाद आप आई को प्लस प्लस करवाते रहेंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब एज वी नो दैट के ये क्या करेगा कि स्पेसिफिक आई की वैल्यू जो जीरो है वो एज अ इंडेक्स परफॉर्म कर रही होगी, ठीक है जी। I will be treated as a index of array, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक और लूप बनाना पड़ेगा। शायद आप लोगों ने जो है फाइंड अ प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम किया होगा, मोस्टली इफ यू आर प्रोग्रामर तो आपने प्राइम नंबर तो जरूर किए होंगे। तो ये जो आपका रिपीटेटिव नंबर मालूम करना है वो इसी तरह से है प्रोग्राम जो आप यूज करते हो लॉजिक एज इट इज एज यू हैव सीन टू फाइंड अ प्राइम नंबर। तो उसका और इसका कुछ तकरीबन सिमिलर लॉजिक है, ठीक है जी। तो मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें क्या होगा, दूसरा लूप भी बनेगा, मैं आपको पूरी लॉजिक समझा देता हूँ किस तरह से काम करेगी। उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल जे बनाएंगे जिसको वैल्यू क्या असाइन कर देंगे, आई। यानी फर्स्ट वाले लूप की वैल्यू जो भी आएगी वो आपके इस वाले लूप को असाइन हो जाएगी। उसके बाद जे जब तक छोटा होगा किससे, चेक एरे डॉट लेंथ से, तो हम जे की भी इंक्रीमेंट करवाते रहेंगे। मैं आपको बता देता हूं इसका पूरा वे क्या होगा या इसकी पूरी जो लॉजिक है वो किस तरह से एक फिलो चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, पहला वाला लूप एक स्पेसिफिक आइटम उठाएगा एरे का, ठीक है, और वो कंपेयर करेगा। हम यहाँ पे एक चेक लगाएंगे, चेक क्या होगा, चेक ये होगा कि जो चेक एरे है जो हमारे एरे का नाम है उसकी जो फर्स्ट एरे से इंडेक्स आई है, फर्स्ट एरे से इंडेक्स यानी पहला एलिमेंट, फर्स्ट टाइम जो आएगा पहला एलिमेंट आएगा, अगर वो बराबर हो किसके, चेक एरे के
इस जे के एलिमेंट पे, यानी मैं बताता हूं ये क्या फिलो होगा और किस तरह से काम करेगा। तो क्या करना, एम जो हमारा वेरिएबल है उसकी पोस्ट इंक्रीमेंट करवा दे, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब आप यहां पे देख रहे हो तो आपके पास एम की जो वैल्यू है वो जीरो है, ठीक है। जब ये इन हुआ है यहां पे इस फर्स्ट लूप के अंदर, तो फर्स्ट लूप के इन होने के बाद एम की वैल्यू जीरो है, ठीक है। एम एफ की वैल्यू वन है और आइटम अभी तक डिक्लेयर ही है, उसके पास कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है जी। यानी आइटम हमारे पास अभी नली है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने वन बाय वन फर्स्ट वैल्यू जो एरे की, एज यू नो दैट जब भी लूप चलता है तो सबसे पहले वो आपकी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन चेक करता है, उसके बाद फिर वो कंडीशन चेक करता है और फिर लूप की बॉडी में आ जाता है। अब लूप की बॉडी में अगर उसको लूप मिलता है तो लूप को जो उसके अंदर लूप है उसको रिपीट करवाएगा, अगर कोई स्टेटमेंट होती है तो उसको रिपीट करवाएगा। अच्छा जी, जब ये फर्स्ट टाइम चला तो आई की वैल्यू जीरो थी और जीरो छोटा है एरे की लेंथ यानी एट से, तो ये क्या हुआ कि यहां पे इस दूसरे वाले लूप में आ गया। फर्स्ट टाइम जब ये चलेगा तो ये इंक्रीमेंट नहीं करवाएगा, ये डायरेक्ट यहां आ जाएगा। मैं इसका थोड़ा कचरा कम कर देता हूं, राइट। और ये आपकी सारी चीजें आप समझ चुके हो, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक और भी चेक लगाना पड़ेगा। उसमें क्या करेंगे कि अगर एम की वैल्यू ग्रेटर हो जाए किससे, मोस्ट फ्रीक्वेंट से, तो क्या करना, यहां पे आके मोस्ट फ्रीक्वेंट को एम की वैल्यू दे देना और आइटम के अंदर जो तुम वैल्यू असाइन करोगे वो एरे का एलिमेंट होगा, ठीक है जी। वो क्या होगा एलिमेंट हमारे पास, यहां, ठीक है। और फर्स्ट लूप जब कंप्लीट होगा तो आप क्या करोगे, एम की वैल्यू को जीरो कर दो। दिस इज द ओवरऑल लॉजिक जो हम इसको परफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे। और उसके बाद जब ये लूप कंप्लीट होगा तो हम उसका जो भी रिपीटेटिव आइटम होगा या मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम होगा उसको नीचे डिस्प्ले करवा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर हम बताएंगे कि हमारे पास कौन सा आइटम आया है और उसकी वैल्यू कौन सी है, वो हम डिस्प्ले करवा देंगे। That's it. ठीक है जी। और उसका कितना काउंट आया आप चाहो तो वो भी डिस्प्ले कर सकते हो। तो यहां पे आके हम कह देते हैं कि जी काउंट है जो नंबर का आया है वो है ये, और जो रिपीटेटिव आइटम है मोस्ट फ्रीक्वेंट है वो है जी ये, ठीक हो गया। आई होप यहां तक ये आपको लॉजिक शायद क्लियर ना हो, मैं आपको समझाता हूं, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम का पूरा कोड है वो ओवरऑल ये होगा, ठीक है जी, ओके जी। अब सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले आई की वैल्यू जीरो है, ठीक है जी। आई की लेंथ जो है, सॉरी आई जो है वो छोटा है एरे की लेंथ से, यानी एट से छोटा है, तो आपका ये डायरेक्ट कर्सर आ जाएगा आपके इस लूप। अब इस लूप में आने के बाद ये सबसे पहले क्या करेगा, आपके इस सेकंड वाले लूप या इनर लूप के अंदर इसका जो वेरिएबल जे है उसको कौन सी वैल्यू असाइन कर देगा, जो फर्स्ट वाले लूप की वैल्यू है। पहली बार पहले लूप की वैल्यू जीरो है तो जे को क्या असाइन हो गया, जे को असाइन हो गया है जी आई, और आई है बराबर वन के, सॉरी जीरो के, राइट। तो आई की वैल्यू भी अभी हमारे पास जीरो ही है, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहां आते हैं, अब यहां पे आके आप देखोगे क्या जीरो छोटा है, यानी जे जे छोटा है एरे की लेंथ से, जी छोटा है क्योंकि एरे की लेंथ तो हमारी एट है। उसके बाद यहां पे आके पहला वाला जो चेक लगाया हमने इसका, वो क्या चेक कर रहा है कि ये जो पहला एलिमेंट उठाया है इसने आई के बेस पे, क्या वो बराबर है किसके, इस सेकंड वाले एलिमेंट के। एज यू नो दैट अगर आपको किसी भी एरे के एलिमेंट को गेट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर हम किसी
एलिमेंट के एरे को डिस्प्ले करवाते हैं तो हम इंडेक्स बताते हैं, या तो 0, 1, 2, 3, 4 वॉट एवर, राइट। एज यू नो दैट कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ इंडेक्स एरे होते हैं, हमारे पास की वैल्यू पेयर्स वाले या एसोसिएटिव एरे का कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है। हाँ, इफ यू नीड टू डिक्लेयर सच काइंड ऑफ यू कैन से एसोसिएटिव एरेस, देन यू हैव टू गो विथ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप की वैल्यू पेयर देके वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो फर्स्ट एलिमेंट अगर आप जीरो इंडेक्स देंगे तो वो दे देगा, अगर आप कोई और इंडेक्स बताते हैं तो उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा है वो उठा के आपको डिस्प्ले कर देगा। तो इसी तरह हमारी लॉजिक काम करेगी, ठीक है, कि एरे के इंडेक्सेस पे हम उन नंबर ऑफ एलिमेंट को उठाएंगे और उनको कंपेयर करेंगे। देखिए फ्लो क्या है, पहला वाला लूप सिर्फ क्या कर रहा है, आपको एक एलिमेंट दे रहा है, ठीक है। इसने पहला वाला यानी वन एलिमेंट उठाया और यहां पे आके हम चेक कर रहे हैं क्या वन बराबर है वन के, जी बराबर है। क्यों? क्योंकि जे की वैल्यू भी जीरो है, आई की वैल्यू भी जीरो है, और हम कौन से एरे से चेक कर रहे हैं, इंडेक्स फर्स्ट वाले एरे से यानी चेक एरे से। तो चेक एरे के जीरो इंडेक्स पे वन पड़ा है और चेक इंडेक्स के सॉरी चेक एरे के जो है वो जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा है, वन ही पड़ा है। हम फर्स्ट नंबर को ही कंपेयर कर रहे हैं, तो बता रहा है कि आपको क्या करना है जी, इंक्रीमेंट कर देनी है, एम प्लस प्लस कर देना। अब फर्स्ट टाइम जब ये चला तो एम की वैल्यू हो गई वन, ठीक हो गया। उसके बाद ये चेक चला और एम की वैल्यू वन कर दी, क्योंकि वन बराबर है वन के, और फिर यहां आया और उसने आके चेक किया कि क्या एम बड़ा है एम एफ से। अब एम एफ की वैल्यू एज वी नो दैट एम एफ की वैल्यू है वन, ठीक है, एम एफ की वैल्यू वन है, ठीक है, और एम की वैल्यू भी वन है, तो क्या वन बड़ा है वन से, नहीं, तो ये वाला चेक नहीं चलेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा जी, यहां पे ये दोनों चेक जो है वो चेक हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ही क्या करेगा, जे की जाके इंक्रीमेंट करेगा। जे की पहली बार वैल्यू क्या थी, जो आई के थ्रू आई थी जीरो, उसके बाद जे की वैल्यू हो जाएगी वन, क्योंकि इंक्रीमेंट कर रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है जी। ये वाला लूप एज वी नो दैट आउटर लूप एक बार चलता है और इनर हमारा कंप्लीट चलता है। कंप्लीट से मकसद जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, सही है। तो हमारे पास जे की वैल्यू जब वन हुई तो क्या जे छोटा है एरे की लेंथ से, जी छोटा है। फिर से यहां आया चेक एरे के आई इंडेक्स, आई की वैल्यू क्या थी जीरो, यानी क्या वन, ये वाला वन बराबर है किसके, फर्स्ट इंडेक्स के, क्योंकि जे की वैल्यू अभी वन है ना, तो चेक एरे के वन इंडेक्स पे अभी जेड पड़ा है, ठीक है, क्या जेड के बराबर है, नहीं। तो एम की वैल्यू क्या आती थी, पहली बार वन ही थी, ठीक है, तो वन फिर से क्या मोस्ट फ्रीक्वेंट वन से बड़ा है, नहीं, ये चेक भी नहीं चला, ये चेक भी नहीं चला। उसके बाद क्या हुआ, फिर से जे की वैल्यू हो गई हमारी टू, ठीक है, इसी तरह फिलो चलता रहेगा। अब जे की वैल्यू टू है, अच्छा मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, यहां पर ये जो चेक एरे आए है ना, इसको आउटर लूप जो एलिमेंट एरे का उठा के दे देगा, फर्स्ट टाइम इसके पास वन एलिमेंट, ठीक है, और जो हमारा जे है ना, ये क्या करेगा, बार बार चेंज होता रहेगा, वेरी होता रहेगा, सही है। फर्स्ट टाइम इसके पास वन था, फिर इसने जब जे की इंक्रीमेंट हुई तो जे की वैल्यू पहले जीरो थी तो उसके पास वन था, फिर जे की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई, तो उसने जेड को उठा लिया, सही है। फिर इसी तरह फिर इसने क्या किया, टू को उठा दिया, ठीक है, फिर इसने क्या किया वन बाय वन। अब मैं थोड़ा आपको फिलो समझाता हूं हो क्या रहा है। पहली बार जब हमारा ये वाला लूप चलता है तो क्या करता है, ये पहला वाला एलिमेंट उठाता है, ठीक, और ये वाला लूप क्या करेगा, इस एलिमेंट के साथ ये सारे नंबर वन बाय वन उठा के कंपेयर करेगा, और जितनी बार ये एग्जिस्ट करेगा ना ये वाला वन, ठीक है, ये क्या करेगा, जितनी बार एग्जिस्ट करेगा वो क्या करेगा, उसका एम का काउंट बढ़ाता जाएगा,
और उस एम के काउंट को बढ़ाने के बाद, ठीक है, अगर वो वन से यानी एक एक बार से ज्यादा वो मिला आइटम, तो हम क्या करेंगे, उसको इस आइटम के वेरिएबल में वो उठा के हम डाल देंगे। अच्छा एक चीज और, यहां पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब ये m की वैल्यू mf को असाइन हो जाएगी, तो उसके बाद यहां पे जब ये लूप एंड हो जाएगा तो ये m की वैल्यू ऑटोमेटिक हमारी जीरो हो जाएगी, ताकि सेकंड आइटम का काउंट हम ले सके। ये m की वैल्यू यहां जीरो इसलिए की जाती है ताकि एक स्पेसिफिक नंबर का काउंट लेने के बाद हम mf को दे दें और फिर दूसरे नंबर का काउंट हम लेना शुरू कर दें विथ m। सही है, तो m एज अ समझ ले इनर लूप के लिए काउंटर है, ठीक हो गया। और mf के अंदर हम जो भी नंबर जितने भी काउंट के साथ मिलता जाता है वो हम असाइन करते जाते हैं। यानी समझो हमारे पास जैसे ये z मिल रहा था या 1 मिल रहा था ना, 1 मिल रहा था दो बार, तो हमने दो बार उसका काउंट और वो वाला जो हमारा आइटम है वो उठा के इसमें डाल दिया था। सही है, फिर m को हमने जीरो कर लिया। फिर उसके बाद जब दूसरा आइटम हम इस वन से या वन के काउंट से ज्यादा मिलेगा ना, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से m के अंदर उसका काउंट लेते रहेंगे। तो m यहां पे इसीलिए जीरो करना लाजमी है। ठीक है जी, तो आई होप भी आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो काउंट है जी 3 और मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम जो है वो जेड है, तो हम चेक करते हैं क्या यही है। जेड आप देख सकते हैं यहां पे कितनी बार आया है, 1 2 3, तो काउंट हमारा बराबर आया है 3 के, यानी जो हमारा इस जेड आइटम का काउंट है वो टोटल 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चलो जी हम इसको, क्योंकि ये डायनामिक वैल्यू है, हम एक काम कर लेते हैं कि हम 2 की वैल्यू को मल्टीपल टाइम डिफाइन कर देते हैं, ताकि हम चेक करें कि 2 कितनी बार आया है। ठीक है जी, अब फिर से एरे को मॉडिफाई किया हमने, अब आप देख सकते हो कि हमारे पास काउंट कितना आया, 4, और मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम हमारा कौन सा है, 2 है। 2 हमारे पास 4 बार रिपीट हुआ है, आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको डिफरेंट इंडेक्सेस पे भी 2 को डिफाइन करना है तो आप बेशक कर सकते हैं। ठीक है, मैं एरे को बढ़ा ही देता हूं। ठीक है, इसको फ्रेश करते हैं, तो देखें अब काउंट जो है वो 7 है और हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम कौन सा है जी, 2 है। तो ये इस तरह से चल रहा है हमारा पूरा जो है लॉजिक का फ्लो। अब एक बार और सिंपल वर्ड्स में आपको क्लियर कर देता हूं, वो ये होगा, देखें पहला वाला लूप क्या करेगा, एक आइटम उठाएगा कोई भी स्पेसिफिक आइटम, और वो यहां पे सेकंड वाले लूप को दे देगा कि आप देखो ये जो आइटम है ना, ये इसको क्या करो, 1 बाय 1 इन बाकी नंबर्स में जाके चेक करते जाओ, और अगर मिलता जाए जितनी बार रिपीट मिलता है, ठीक है, तो क्या करो m की वैल्यू को बढ़ाते जाना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सिंपल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहली बार इस आइटम को फर्स्ट वाला लूप बोलेगा, ये वाला आइटम दे रहा हूं तुम्हें, इसका क्या करो, इसको चेक करो इस पूरे एरे के अंदर, पूरे इवन फर्स्ट को इंक्लूडेड, इंक्लूडेड फर्स्ट, सही है, इसको इसके साथ चेक करते जाओ कितनी बार मिला। ठीक है जी, तो जितनी बार मिलेगा m की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो सेकंड वाला लूप एक आइटम को 1 बाय 1 चेक करने के बाद उसका जो भी काउंट मिलता है वो क्या करेगा, इसके अंदर असाइन कर देगा। यानी फॉर एग्जांपल कोई ऐसा आइटम जैसे 1 है ना, 1 यहां पे 3 बार मिला या 2 बार मिला है, ठीक है, तो वो mf को भी क्या वैल्यू असाइन कर देगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट बता देगा 2 है, m की वैल्यू भी 2 कर देगा। ठीक हो गया कि ये जो 1 है ना 2 बार मिला है इस पूरे एरे के अंदर, लेकिन जब z के लिए गया तो एम एफ की वैल्यू अब 2 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सही है, या एम की वैल्यू आप कह दो कि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 जैसे हुई तो अब 1 से ज्यादा, यानी 1 से ज्यादा फ्रीक्वेंट क्या मिला इसको, जेड मिला, जो कि 3 बार आ रहा है, तो वो 3 को एज अ आइटम उठा के वो इसमें डाल देगा। क्योंकि देखें फर्स्ट टाइम ये लूप उठा के ये वाली वैल्यू किसको दे देता है, कि ये वाला इंडेक्स है सपोज ये वाला, इसको चेक करो पूरे एरे में, फिर जेड उठा के दे देता है।
ठीक है, जैसे इंक्रीमेंट होते जाएगी इस तरह से फिल होता जाएगा, और सेकंड वाला लूप जो है वो इसे क्या करता जाएगा, वो काउंट करता जाएगा। सही है, तो ये हमारी एक पूरी लॉजिक है या एक फिलो है टू फाइंड अ फ्रीक्वेंट नंबर इन जावास्क्रिप्ट और इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एज वी नो दैट कि हमें सिर्फ वेरिएबल्स को आगे पीछे करके डिक्लेयर करने का तरीका अलग होता है, बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एक ही तरीका होता है टू फाइंड अ फ्रीक्वेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम फ्रॉम मेरे। ठीक है जी, आई होप कि आपको लॉजिक क्लियर हो गई होगी, और अगर आपको ये लॉजिक क्लियर हुई है या इस वीडियो से आपको फायदा मिला है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल।